प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नमक कहानी को, जिसमें आपसी सद्भाव, प्रेम और मानवता के बारे में लेखिका ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से एक उम्मीद जगाई है कि शायद धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां ऐसे बदलें कि लोग आपस में प्रेम से रहने लगें और ये जो लकीरें खींची गई हैं, जो सीमाएं बांट दी गई हैं, जो ज़मीन में सीमाओं को विभाजित कर दिया गया है देशों को, लेकिन जो लोगों का हृदय है वो कभी एक दूसरे से जुड़ जाए और सब लोग आपस में प्रेम से रहने लगें। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठ सकता है कि क्या धर्म मज़हब के आधार पर नई सरहदों के आर पार बिना उनसे पूछे हुए फेंक दिए गए लोगों की वो पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थली के प्रति गहरा लगाव है, के खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी ये उम्मीद बनी रहेगी? यानी क्या हम हमेशा अलग ही रहेंगे? क्या हम लोग जुड़ेंगे नहीं? ये प्रश्न उठाया गया है इस पाठ में, और इस पाठ को आप समझिए तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पूरे विश्व में या इस दुनिया में, इस धरती में जो सबसे बड़ी बात है वो है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, एक दूसरे को दिल से आदर देना, सम्मान देना, और कैसे जो मनुष्य है वो सिर्फ एक राजनैतिक सदस्य नहीं हो सकता है, सिर्फ एक नागरिक नहीं हो सकता है, वो किसी परिवार का सदस्य होता है, अपनी जन्मभूमि का एक बच्चा होता है। तो वहाँ भी उसकी जो मिट्टी होती है, जिस धूल में वो खेलता है, जिस पानी को वो पीता है, जिस नमक को वो खाता है, उससे उसका गहरा जुड़ाव हो जाता है। कहते हैं यहाँ पे जो लेखिका है वो जा रही है पाकिस्तान, तो वो वर्णन कर रही हैं कि उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी कि किस कदर वो उसकी माँ से मिलती थी। क्यों? क्योंकि जो सिख बीबी थी उनका पहनावा भी लगभग वैसा ही था और चाल ढाल डील डौल भी वैसा ही था, है ना। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों अगर एक क्षेत्र के रहने वाले हैं तो पहनावा भी वैसा ही होगा, उनकी वेशभूषा भी वैसी ही होगी, बातचीत भी वैसी ही होगी, भाषा भी वैसी ही होगी। तो जैसे ही लेखिका ने सिख बीबी को देखा, उनको अपनी माँ की याद आ गई। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी, चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। ठीक है, लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगीं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। ठीक है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे की रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफिया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं, रोने लगती हैं, बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साड्डा लाहौर यानी अपना लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ, है ना, कीर्तन में शामिल होने के लिए वो आई थी वहाँ पे सिख बीबी के यहाँ। तो जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगीं और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगीं, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थीं, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको बेटा तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यों गुजरे कि पता ही नहीं चला, जिमखाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें।
दोस्तों अजीजों की ये हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि बादामी कागज़ की एक पुड़िया की जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। अब ये पाकिस्तान में पहुंच गई हैं, है ना सफिया। और सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था, उसने सोचा कि वो ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमारे हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है, यानी हिंदुस्तान के हिस्से में। वो झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, मतलब बहन जी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है, कानून क्या था, कानून ये था कि नमक आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं ला सकते थे उस समय। तो वो बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत करेंगी बाजी, बहन जी, कानून कानून हाँ कानून, अरे फिर भाई कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते? हाँ फिर मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते हैं, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है, हैं? अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वो ड्यूटी ना करें, एक तो है वो भी चंद पैसों का, शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मिगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। उसके भाई ने बोला कि अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घूमा होता है, अदीब मतलब साहित्यकार रचनाकार, ठीक है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी हम सबकी मुफ्त में होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, सफिया ने बोला, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। यहाँ पर लेखिका जो है, जो सफिया है, वो ये कहना चाहती हैं कि अगर सभी लोगों का दिमाग साहित्यकार की तरह रचनाकार की तरह होता, कि जो समाज के सभी वर्गों के लिए लिखता है, पूरे विश्व का हित चाहता है, मानवता का हित चाहता है, अगर इस भाव के साथ सभी लोग हो जाते तो ये दुनिया में बंटवारा नहीं होता, ये दुनिया में सब लोग आपस में प्रेम से रहते, कहीं जाति और धर्म के कारण लोग एक दूसरे पर अत्याचार नहीं करते, सब लोग खुशहाली से रहते। 1947 देश के विभाजन के समय जो इतना कत्लेआम हुआ, शायद वो कत्लेआम भी नहीं होता। ये कह रहे हैं कि अदीबों का दिमाग जो होता है वो मानवता के लिए होता है, समाज के लिए होता है। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था, सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गईं। सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं, एक तो वो छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, कीनू एक फल होता है, ठीक है, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, ठीक, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा होता है और संतरे की तरह नाजुक, कीनू के बारे में बता रही हैं। और दूसरी थी वो नमक की पुड़िया जो सिख बीबी ने मंगाया था, अब कैसे ले जाए, उसी उधेड़बुन में और माँ की तरह वो लगती थी, उनका जुड़ाव हो गया था, हृदय से जुड़ाव हो गया था, ठीक है। तो वो इसी उहापोह में थी कि अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। यहाँ बच्चों मतलब ये है, भावना का मतलब कि भावातिरेक में माँ के समान दिखती थी, उस जुड़ाव में, हृदय में उठे भाव के कारण उसने गुस्से में बहुत सी बातें कह तो दी, लेकिन बुद्धि अब काम कर रही थी, यानी तर्क वितर्क मन में हो रहा था कि कहीं अगर मैं लेके पकड़ी गई वहाँ पर तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, हाँ फिर मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, और मुझे ले भी जाना है। तो ये इस तरह से
जो परेशान थी वो, तो नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे, लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं और फिर वायदा करके झुठलाने के क्या माने? यानी सैयद वो लोग होते हैं जो अपनी बात जो कह देते हैं उसका पालन करते हैं। जान लेकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इस किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा, है ना? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी, ये उधेड़बुन चल रही है उनके दिमाग में। उधर से केले, इधर से किनु, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे, यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। तो उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वो पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वो अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान यानी जांग चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। वो सोचती थी कि अगर ऐसी कोई तरकीब होती तो वो भी, यानी पुराने जमाने में उनकी माँ जी कहानी सुनाया करती थी कि जो पहले लोग जाते थे एक दूसरे का व्यापार करने, तो वो अपने जो शरीर का अंग है उसको फाड़ करके उसके अंदर डाल लेते थे, फिर जहाँ जाते थे वहाँ निकलवा कर फिर से उसको सही करवा लेते थे। कहते हैं तो अगर ऐसी कोई तरकीब अब होती तो मैं कर लेती ऐसा। वो अपना दिल भी चीर कर उसमें नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी कि मैं अपने माँ के लिए नमक ले ही जाऊंगी जो भी हो, लेकिन कैसे, मैं क्या करूं? फिर वो किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वो बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली, है ना, चद्दर वो जो है ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे, मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी, बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था, यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहां हम लोग नहीं आ सकते? उन सबके और साफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकेदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वो लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए, एक साल से पहले तो वो आ भी नहीं सकती थी, और यह भी हो सकता है था कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं, फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। यानी उसको सिख बीबी को कहे हुए शब्द बार बार उसके दिमाग को झकझोर रहे हैं, याद हो रहे हैं, याद आ रहे हैं सोने वक्त। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, इकबाल वो जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है और उनका मकबरा पाकिस्तान में है ना, जिन्होंने दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए गीत लिखा था। कि फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम ठंडी शीतल हवा और उस हवा में रची हुई मौलसरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ, अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि वह नींद में थी और नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है, अर्थात हिंदुस्तान के लोग भी कीनू बहुत पसंद करते हैं और पाकिस्तान से ये फल यहाँ भेजा जाता है विक्रय के लिए भेजने के लिए। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी, यहाँ बॉर्डर के पास अब आ गई है सफिया। हाँ, दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वो हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वो अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए ये सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झरझरी सी आई, कांपने लगी और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा जो मेरी माँ ने मंगाया है चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वो। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वो एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, किटी मतलब काले और सफ़ेद दोनों मिले जुले, आँखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर वो कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा, बोले फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए? जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। यानी वो जो कस्टम ऑफिसर था वो भी कहाँ का रहने वाला था? उसका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली। तो कह रहा है हमारा वतन तो दिल्ली है, यानी उसकी भी यादें, उसकी भी स्मृतियाँ, उसकी भी मिट्टी की खुशबू, उसको भी दिमाग में पूरी तरह से अपनी जन्मभूमि की याद आती है और वहीं का मानता है अपने आप को। ये है आम मानव की विशेषता। सफिया ने हैंड बैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है क्या कि प्रेम से पूरे विश्व को जीता जा सकता है। वो चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। यानी आप भले यहाँ से चली गई हैं लेकिन आप लाहौर को भी अपना समझिए जैसे मैं दिल्ली को अपना समझता हूँ। तो बाकी आने वाली पीढ़ियाँ धीरे धीरे आपस में मेल से प्रेम से रहने लगेंगी और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार थे, हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होंठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थीं जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। यहाँ जो लेखिका है वो कहना चाहती हैं कि
क्योंकि एक ही राज्य के हैं, वहाँ पे विभाजित हो गया है वो, तो सब कुछ एक जैसा है ना, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं जो भी हैं, लेकिन धर्म के कारण देश विभाजित हुआ और इस विभाजन के कारण लोग विभाजित हो गए, लेकिन उनके हृदय को बांटा नहीं जा सका है अभी तक। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और स्वर से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वो पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसको देखते लेखिका को, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई, वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा, दो चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका। ये वही कस्टम अफसर थे जो बंगाल विभाजन के समय जो यहाँ पर आ गए थे, कहाँ, हिंदुस्तान में। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ जी, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरूल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस जन्म रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक एक वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है? यानी देखिए, वो कस्टम अफसर हिंदुस्तान का हो चुका है, यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे नौकरी भी कर रहा है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ, ठीक है। सफिया ने बोली, हाँ, ठीक है, गुस्साइए नहीं भाई। सफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। यानी पहले तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही कस्टम बना था, उधर पाकिस्तान, उधर बांग्लादेश में नहीं था, लेकिन अब उधर भी कस्टम बन गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भर कर बोले, वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाव की क्या बात है। ठीक है, वो भी जो वस्तु है खाने की, डाव, उसकी बात कर रहा है कि हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। जो बच्चों हमने बताया आपसे कि जहाँ बचपन में दोस्तों के साथ खेलता कूदता है, जिस ज़मीन की खुशबू व्यक्ति सूंघता है, जिस ज़मीन में बचपन व्यतीत होता है, जिस ज़मीन में पैदा होता है, वो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और वो खुशबू, वो सुगंध, वो महक मनुष्य के हृदय से कभी गायब नहीं हो सकती है, बारंबार उसको स्मरण कराएगी। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वो जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। यानी किसी का वतन, इन्हें जितने लोग, तीनों लोग बताए गए, सिख बीबी अपना वतन लाहौर बता रही है ना, और कस्टम अफसर अफसर अपना वतन कहाँ बता रहे हैं, बांग्लादेश बता रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कस्टम बनाने से लोगों के दिलों को बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, इस तरह बच्चों ये जो है पाठ खत्म होता है, और जो इसके मूल बिंदु हैं, जो आपके परीक्षा संबंधी और जो बातें